हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए, ठीक है? यानी कि हमेशा हम तो उनके लिए ही रीडिंग करते हैं, तो आज की रीडिंग भी हमारी उनके लिए ही होगी। यानी कि रीडिंग ये होगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या जो है सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, ओके? और पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा आप अपनी रीडिंग पे, क्योंकि आप फोकस करेंगे तभी जाके आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाएगी, ठीक है? तो मैं आप सबसे यही समझूंगी कि हाँ, आप लोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ये रीडिंग पे फोकस करके ये रीडिंग देख रहे हो। जब मैं बोलूँ कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है तब आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करेंगे। जब मैं कहूँ कि हाँ आपको अपने ऊपर फोकस करना है तो आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, ओके? तो अभी फिलहाल आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ओके? अभी आपके पार्टनर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अभी मैं जो है जब बताऊंगी, जब मैं बोलूंगी कि हाँ अब आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, तब आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ओके? सो ध्यान रखिएगा, ओके? चलिए, सो जिनको भी ब्रेसलेट लेना है, सेवन चक्र ब्रेसलेट है, रोज क्वार्ट्ज है, ग्रीन एवेंजरीन है, सिट्रीन है, सिट्रीन जो होता है शादी के लिए होता है, जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग ज़रूर इसे लीजिए। हेल्थ में इश्यूज है ज़रूर लीजिए, ठीक है? और रोज क्वार्ट्ज डबल लेयर में है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है, आपको ज़रूर वेयर करना चाहिए, आपकी लव लाइफ के लिए है, ठीक है? जिनके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, जिनका बार बार ब्रेकअप होता है, उनको मैं ये प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? या जिनके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती है ना, उनको मैं ये ब्रेसलेट प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं, सबसे पहले मैं हीलिंग करूंगी आपकी। हीलिंग ज़रूरी है, तो हीलिंग हमारी सबसे पहले होगी, और हीलिंग हमारी रेगुलर होती है, तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखा कीजिए ताकि आपकी हीलिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, ठीक है? चलिए करते हैं हीलिंग। सबसे पहले हम हीलिंग करेंगे, ओके? हीलिंग करते हैं हम। फोकस कीजिए आप अपने ऊपर। ओम शांति। चलिए करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट, ठीक है? फोकस कीजिए आप। मैं आप सबसे कहूँगी अब आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है? क्योंकि हीलिंग हो चुकी है आपकी, अब आपकी आंखें खुल गई हैं और अब जो है आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ओके? फोकस कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ओके? कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, ज्यादा कार्ड्स आ गए सो हम ये नहीं लेंगे। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। अदर कार्ड देखते हैं। यहाँ पे जो जो कार्ड आ रहे हैं मैं वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक ही टाइम पे, ओके? चलिए फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। फुल फोकस रहना चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, फिर हम देखेंगे फ्यूचर का क्या है, क्या नहीं है, क्या बन रहा है फ्यूचर में, ओके? आपके साथ उनका।
आई थिंक बहुत कार्ड्स हो गए, मैंने बहुत कार्ड्स निकाल लिए। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में लगातार सोचते हुए दिख रहे हैं, लगातार। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी, अगर ये पर्सन अपने आप के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहते होंगे ना, तो ये पर्सन जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। रात के टाइम में स्पेशली ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इनके मन में जो डाउट्स हैं, जो कि क्लैरिटी नहीं है, इनको किसी और के द्वारा आपको पता चला है, तो कहीं ना कहीं से जो है ना ये पर्सन थोड़ा बहुत जो है ना उसके ऊपर सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं, सोच करके उनको क्लियर करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से क्लैरिटी दिख रही है। ठीक है, मतलब क्लैरिटी आएगी तब जाके ये पर्सन एक्शन लेंगे या आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे है मेरे पास क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन, यहाँ पे है मेरे पास द मून, एंड है मेरे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से कि आपके जो पार्टनर हैं, पहले मैं उनका साइन बता देती हूँ। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइन अवेलेबल है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे है एनर्जी क्या, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो वो आपके जो पार्टनर है ना, ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं और इस पर्सन को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि जो पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं ये इससे कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरिटी दिख रही है, क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है कि ये पर्सन जो है ना इस प्रॉब्लम में जो है फंसे हुए हैं। यानी कि जो कि आप दोनों के बीच में दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, या फिर आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली की कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। ठीक, जिसकी वजह से ये पर्सन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और इनकी फैमिली मैनिपुलेट करते हुए इनको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत सारी चीजें सोचते हुए दिख रहे हैं, इनके सामने ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि हाँ, आपको इनके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, उनके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर आपको इनके साथ रिलेशनशिप में एक बार आकर के देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हाँ, आपके लिए ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये जो है ना इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, और ये पर्सन बहुत कुछ अपने लफ्जों में आपसे बयां करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बयां नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर इनको जो है ना यहीं पे छोड़ देना चाहिए। यानी कि आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ जो है बहुत कुछ जो है डिस्कस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक आपके और आपके पार्टनर के बीच में फादर इशू ज्यादा इन्वॉल्व है। मदर इशू तो होगा, लेकिन फादर इशू का मुझे ज्यादा दिख रहा है, फादर इशूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एनर्जी एकदम से क्लियर बता रही है कि फादर इशू की वजह से यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में जो है ना प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है यहाँ पे जो है कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली बहुत ज्यादा एक जो है ना अपने जो रिलीजन है ना उसको फॉलो करती हुई दिख रही है। ठीक है, आपकी जो फैमिली है इनकी फैमिली से बहुत अलग है, और इनके फादर जो है ना बहुत ज़्यादा रूढ़ है, और खुद ये भी बहुत ज़्यादा रूढ़ है, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा रूढ़ हैं, और इनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये पर्सन हालांकि मनाते हुए भी दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना आपके लिए जो है ना एक जो एफर्ट होता है, आप चाहते हो ना कि हाँ आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट डालें, आपके लिए जो है ना ये एक रिस्क ले। ठीक है, क्योंकि रिस्क ले तभी जो है आपके साथ इनका रिलेशनशिप बन सकता है, अगर ये रिस्क नहीं लेंगे फिर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ठीक है, आपको पता है, आपको क्लियर है कि अगर ये बंदा ये रिस्क नहीं लेता है, बंदी रिस्क नहीं लेती है, तब तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। और ये जो पर्सन है ना आपके, देखो अपना मुंह बंद किए हुए, यानी कि ये जो पर्सन है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फैमिली के अगेंस्ट जाता हूँ तो अच्छा नहीं होगा। फैमिली के अगेंस्ट मेन है ना इनका, कि इनको जाना ही नहीं है फैमिली के अगेंस्ट। और फैमिली के अगेंस्ट जा करके यहाँ पे इस रिलेशनशिप को कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा है इस पर्सन का, इस पर्सन की जिद भी कह सकते हैं या इस पर्सन के आदर्श कह सकते हैं कि पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं उचित समझ रहे हैं, ठीक है। और हालांकि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन को और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है ना, लगता है मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं गेस कर रही हूँ, ठीक है, ये मत सोचना। मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ आपको, ठीक है, लगता है मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट करे कोई जरूरी नहीं है, है ना, तो वैसे ही लीजिएगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे रीडिंग की। तो रीडिंग में मुझे कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, इनके मन में बहुत सारी चीजें बैठी हैं, बहुत सारी चीजें जो कि जो है ना आपके खिलाफ किसी ने बोला है, किसी ने इनका यूज किया है, आपका यूज किया है, मतलब कि अपने फायदे के लिए, है ना, और आप दोनों के बीच में फूट डाली है, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक। यहाँ की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर को आपके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत जो है एक जो होता है ना कि हाँ मेरा पार्टनर है और मुझे बात करनी चाहिए, मुझे फील होता है उसके लिए, मुझे बहुत ज्यादा फील होता है ना, ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, मुझे दिखता है कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके हाथों में, इनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। और ये पर्सन प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल भी हैं, रूड भी हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं, और ईगो होने के कारण से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हालांकि इस पर्सन का मन है, काफ़ी ज़्यादा मन है कि आपके साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़े, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकालेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी हम देखने वाले हैं, तो कुछ और भी कार्ड्स हम निकालते हैं कि फ्यूचर को लेकर के क्या है, इनको सही डायरेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनको जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए और आपके पार्टनर के लिए भी आसान हो जाए। ओके, चलिए करते हैं, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन पूरी तरीके से है, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से रियल कनेक्शन है और स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, यानी कि आप दोनों या तो सोलमेट हो या फिर आप दोनों जो है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे इनको क्लियर हो रहा है बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ओके, ट्रूथ का गार्ड है, ट्रूथ, सेलिब्रेशन, ओहो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, हार्ट चक्रा, शैडो, टेम्पटेशन, एंड है मेरे पास सोलर प्लेक्सस चक्रा। देखो सबसे पहले तो आपको सेवन चक्रा का ब्रेसलेट यूज करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ईगो कह रही हूँ, आप लोगों के चक्रास बहुत ज्यादा ब्लॉक हैं, आप लोगों का फोर्थ चक्रा ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। ये है सेवन चक्रा ब्रेसलेट, जिसमें आपके सेवन चक्रा को बैलेंस करने की क्षमता है, ठीक है, आपका सेवन चक्रा बैलेंस होगा, ठीक, और आपके हेल्थ इश्यूज में भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके लव लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इसको बैलेंस करना है तो आप सेवन चक्रा का ब्रेसलेट ले लो और रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट ले लो। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पे
कि आपके जो पार्टनर है ना इनके साथ आपका क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में देखो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ठीक है, यानी कि इनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहने की वजह से जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, फ्यूचर में भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आएगी। थर्ड पार्टी जो है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई ना कोई रहेगा, ठीक है, या तो आपकी फैमिली रहेगी या फिर आपके लाइफ में कोई और आ सकता है, या तो उनकी फैमिली रहेगी या उनकी लाइफ में कोई और भी आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन जरूर आएगा, जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे कड़वाहट आने लगेगी, फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम इश्यूज आने लगेंगे। आप दोनों का रियूनियन तो होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, यहाँ पे मैं देखूँ तो रियूनियन की एनर्जी फुल है, ठीक है, रियूनियन होगा, आप दोनों साथ में भी रहोगे, शादी भी हो सकती है आप दोनों की, ठीक है, लेकिन आफ्टर मैरिज, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई ना कोई आ सकता है या इनकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है जिसके साथ इनका रिलेशनशिप रहेगा, फिजिकल भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना आगे जा करके आपका दिल टूट सकता है, यानी कि ये जो सारी इश्यूज हो रहे हैं ना ये हार्ट चक्रा की वजह से हो रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है और हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, 7 चक्रा ब्रेसलेट का यूज करना पड़ेगा और आपको जो है अपने आप पे काम करना होगा। अगर आप चाहते हो इस पर्सन से शादी करना तो आपको मैंने मंत्र भी बताया है कई बार, मंत्र जाप के लिए मैं माला भी देती हूँ, देखो ये माला मैं देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वो कर रहे हैं, जो लोगों को मैं दे चुकी हूँ और जो लोगों को नहीं मिला है उनको मिल जाएगा इस वीक, और आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है, मंत्र मैं देती हूँ जिससे जो है ना आप लोगों का जो ये कनेक्शन है, ये जो निगेटिविटी है, ये जो दिल टूटा है, हार्ट चक्रा प्रॉब्लम है, ठीक है सोलर प्लेक्सस चक्र प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से जो है आप बाहर निकल पाओगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। आने वाले टाइम पीरियड में आप लोग मिलोगे एक दूसरे से, बातें भी करोगे, लेकिन फिर से वही होगा, आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे, धीरे 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 करके ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होंगे, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में जो है ना कोई और भी है, किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की बाद में बात कर रही हूँ, ठीक है, फैमिली की बाद में दिख रहा है कि इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ठीक है, या अभी भी हो सकती है, अगर आपकी आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो भी दिख रहा है कि हाँ आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमेशा ही आपको धोखे मिलते हैं, हमेशा ही आपको तकलीफ मिलती है, हमेशा ही आपके पार्टनर आपको चीट करके चले जाते हैं, ठीक है, ये क्लियरिटी दिख रही है आपको। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना यहाँ पे काफी ज्यादा अल्कोहल लेने लगेंगे, ठीक है, नौबत ये भी आ जाए कि हो सकता है कि अगर आप देखो जो लोग अल्कोहल लेते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, जो लोग नहीं लेते हैं उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ आपके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा दिख रहा है कि 3 सालों के बाद आपके जो है मैरिज के बाद 3 सालों के बाद जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है। चलिए बात करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि मैम थर्ड पार्टी तो अब आ जाएगी, ठीक है, तो क्या ये पर्सन आपको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स में, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा क्या जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन खत्म हो जाएगा क्या, थर्ड पार्टी के साथ जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर का कनेक्शन खत्म होगा या नहीं होगा। नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड, फाइव ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे बहुत बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे,
आपके साथ, मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं देखूं इनका, तो ये पर्सन बहुत टाइम लगाएंगे। ये पर्सन को भी बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि इनको क्या करना है, इनको थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना है या आपके साथ आगे बढ़ना है। कई हद तक कुछ सालों तक आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चलेगी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम चलेगी और इसी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम, यानी कि थर्ड पार्टी मेन प्रॉब्लम दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपको उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, मैनिफेस्टेशन करना होगा, दुआएं मांगनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे दुआएं मांगनी होगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, बैलेंस करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। आपको सबसे पहले क्या होगा कि मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करना होगा इस रिलेशनशिप को। अगर आप चाहते हो दिल से निभाना है ना, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है कि आप कर सकते हो, और आपके अंदर वो पावर भी है कि आप अपने पार्टनर को अपने जो है ना अपना बना सकते हो, फिर से थर्ड पार्टी आए या फिर कोई और आए, ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो पावर है कि आप उससे जो है ना अपने पार्टनर को निकाल सकते हो, यानी कि उनके दिल दिमाग से आप अपने पार्टनर को निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि अगर अगर आप लोगों ने नहीं कर पाया, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से कार्ड्स बता रहे हैं कि हाँ, आप दोनों की एनर्जी के अनुसार से आप दोनों खुश रहेंगे। अगर आप दोनों ने एफर्ट डाला, नहीं डाला, तो फिर आपको दुखी रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपके अंदर वो पावर है जो कि आप सब कुछ कर सकते हो, और उसी की वजह से आप दोनों खुश रह सकते हो, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।